से पूछा रहे हमारा। मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक तुझे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। अपना तो सदियों जन्मों का नाता। साजी साजो घबरा मत, तूने मुझे कहा था रोना मत और खुद रो रहे हो। नहीं बेटा, तुम मेरे शेर हो, शेर तुम मेरे शेर हो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत हिम्मत करनी है हम सब के लिए, हम सब के लिए। रोना नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं रोना। नहीं कोई किनारा सनम तेना। साहिब भाई, वैसे तो हम बताते हैं सबको, लेकिन हम चाहते हैं कि आप प्लीज सभी को बताएं। मम्मी वाजिद मेरे ख्याल से पौने दो साल, मतलब इतने टाइम से अनवेल था। हम हैरान थे इस हमारी इस माँ से कि इस उम्र के अंदर इसके पास इतना जज्बा, इतनी ताकत। हम लोगों की हालत बुरी थी, इतना ट्रैवल करना, जाना, रमरे में रहना। पाजी दो साल तक इन्होंने कभी एक रात भी घर नहीं आई। हम इतना रिक्वेस्ट करते थे कि आ जाओ घर पे आ जाओ, चले जाना, मगर ये कभी गई नहीं। वो वहीं रही अपने बेटे के साथ। हमें चारों तरफ भटक रहा था वाजिद के टाइम पे। पाजी हर जगह, हर दरवाजे, आज हमारी पहचान है, जान पहचान है, पैसा है माशाल्लाह से, हर चीज़ है, सब चीज़ फेल हो गई थी। लोग बागों ने बेवकूफ़ बना बना के कोई कितने पैसे ले गया, कोई कितने पैसे ले गया। एयरपोर्ट पे से कोई आ रहा है, एयरपोर्ट पे खड़ा हो रहा हूँ, ढाई ढाई घंटा खड़ा हो रहा हूँ कि वो बताएगा कि ऐसा हो सकता है, और वो लोग हमारे पैसे लेके चले गए। उस वक्त हम लोग बहुत हिल गए थे। एंड काफ़ी कजन्स है, हमारा काफ़ी बड़ा खानदान है, काफ़ी बड़े घराना है। हर औलाद डरती है। रिश्तेदारों के अंदर जब कहा तो मैंने वाजिद को कहा कि किसी से बोलना मत यार, हमारी रिश्तेदारी ख़राब हो जाएगी, कौन किसी की औलाद को आने देगा। और वही हुआ, हम लोग अपनी फैमिली में अकेले हो गए थे। और ये खड़ी हो गई, आई लव यू वेरी मच एंड व्हाट यू हैव डन टू द फैमिली ऑफ नोबडी कैन डू इट एंड हैट्स ऑफ टू यू।